शेर बने, अच्छे फैसले लें अपनी कौम के लिए, बदलना पड़ेगा आप लोगों को, मुर्गी छोड़नी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। कबूतर भाई, कबूतर मैं उड़ रहा हूँ, आप अंदाजा लगा ले कि हमें कबूतर कैसा लगा। अच्छा था, पहले खाया? अच्छा था। आ, बिल्कुल, इससे पहले नहीं खाया, पहली इससे पहले नहीं खाया। मैंने भी पहली मरतबा खाया। बहुत जान लगती है कबूतर खाने में, हड्डी ऐसी थी जैसे मछली के जो है कांटे, मछली के कांटे, वो भी बड़ी वाली मछली के, बड़ी वाली। सही कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, भाई आज हम दोबारा से मैंग्रोव पे मौजूद हैं और पावर भाई ने आज तो रिकॉर्ड ऐसा तोड़ा है कि भाई मेरा ख्याल है कि अब तो बस हो जानी चाहिए, मगर पावर भाई की गाड़ी रुकेगी नहीं। क्यों कि आज हमें कबूतर खिलाने वाले हैं। कबूतर लोग सुनते हैं तो लोग बोलते हैं यार कबूतर, हाँ जी कबूतर खाएंगे आज हम, और कबूतरों का प्लेटर खाएंगे। तो कितने कबूतर हैं, कैसा होगा, जायके में कैसा होता है, जिसने खाया है कबूतर तो उसको जायका पता होगा, मगर प्लेटर पाकिस्तान में शायद दुनिया में पहली मरतबा ये बनने जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्लेटर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। नाजरीन, प्लेटर आ चुका है और ये देखें भाई कबूतर का प्लेटर, और ये इसको कितने सारे अफराद लेके जा रहे हैं। वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह। कबूतर ही कबूतर, वाह भाई वाह, मकसूद भाई। ये जो है ना, ये पाकिस्तान में अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड जनरेट हो गया है, मैंगो को ये एजाज हासिल हो गया है, मैंगो रेस्टोरेंट को, के बाबर दा भाई ने जो भाई यहाँ पे ना 300 पिजन्स का जो प्लेटर बना दिया है, 300 कबूतर, 300 पिजन। अबे पिजन पिजन आप कर रहे हैं, मेरी व्यूवर्स जरूरी थोड़ी है पिजन पहचान पाए भाई। 1,00,000 रुपए पिजन, पिजन कहते हैं भाई कबूतर को। अच्छा ये कबूतर जो है चिलगोजा, ये मुझे बताएं। अच्छा चिलगोजा भी डाला हुआ इसमें, ये देखिए। ओहो हो, मैं फोकस करके दिखाऊंगा भाई, ये देखिए ये चिलगोजा देखिए। अरे भैया वाह, चिलगोजा ये चिलगोजा है, इसको चिलगोजा कहते हैं, इसको चिलगोजा कहते हैं जी। अरे भैया अच्छा, इसमें चिलगोजे डले हुए हैं। अरे भैया इतने सारे चिलगोजे हैं, ये भी चिलगोजा। हर तरफ चिलगोजे ही चिलगोजे नजर आ रहे हैं। तो ये है भाई एक प्लेट जिसमें कितने भाई 3 कबूतर डले हैं। तो ये एक सीना, दो सीना और 3 सीना बा सीना, इसको शुरू करते हैं। और बहुत सख्त हो रहे हैं, बहुत पहली बार खाऊंगा मैं, वैसे तो चख लिया है मगर खाएंगे पहली बार। बहुत ज़बरदस्त है भाई, ना घी है ना कोई अलग जगह, अलग का कुछ नहीं है इसमें, और ऐसा लग रहा है जैसे चिकन खा रहे हैं, देसी देसी चिकन। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि भाई हम लोग खाना खा चुके हैं और ये प्लेटर का आधा हो चुका है भाई, और आप ये सारे कबूतर आप देख सकते हैं, और इस कबूतर का हाल देखो भाई क्या हुआ है, ये तो बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल खाली। तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है, ये चेक करें भाई 300 कबूतरों में अच्छे खासे कबूतर बच गए, क्योंकि कबूतर खाना आसान नहीं है भाई, बहुत जान लगती है कबूतर खाने में। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, क्या हाल है भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, क्या कहाँ गया मैं आप? बिल्कुल ऑफिस। अच्छा देर से आए? देर से आए। अच्छा खाया कबूतर? खाया खाया। कैसा था? नुसरत भाई की तरह नहीं किया हमने। कैसा था यार? बड़ा बेहतरीन था भाई, बेहतरीन था। मजा। अच्छा मजेदार था। गोश्त कैसा? कबूतर उड़ाए तो थे, खाया पहली मरतबा। मैंने भी पहली मरतबा खाया। गोश्त कैसा था यार? गोश्त जस्ट लाइक बड़े का गोश्त नहीं होता, लाल लाल था ना, काला काला लाल लाल, मगर डिफरेंट था। हाँ वो उस तरह नहीं था कि रेशा बहुत ज्यादा हो। हाँ खुश्क सा था, जैसे देसी मुर्गी का एक अलग सा जो है वो। हाँ। और सख्त हड्डियाँ हैं, वो इतनी सख्त हड्डियाँ कि मतलब अगर गलती से दांत में आ जाए तो दांत निकल के बाहर आ जाए, ऐसा समझ लें कि हड्डी ऐसी थी जैसे मछली के जो है कांटे, मछली के कांटे, वो भी बड़ी वाली मछली के, बड़ी वाली। सही कह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर हमारे
हमारे पाकिस्तान में इतनी इतनी हराम चीज़ें चल रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, धोखे दिए जा रहे हैं, एक हलाल चीज़ आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे, हराम चीज़ को कोई भी बोल नहीं रहा, ये तो गलत बात है यार। अल्लाह ताला ने हलाल बनाया, कबूतर को हलाल बनाया, खरगोश को हलाल बनाया, जिस तरह मुर्गी हलाल है, बकरी हलाल है, इस तरह ये भी हलाल है, तो इस पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे खड़े हुए भाई फरहान भाई, फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई आप कहीं देखा देखा लग रहा है आपको, यार हर जगह दिख जाते हैं हम तो, जहाँ आप जाएंगे वहाँ हमें पाएंगे। हैं सच्ची में? सच्ची और मुच्ची। अच्छा कैसा लगा भाई कबूतर? भाई कबूतर मैं उड़ रहा हूँ, आप अंदाजा लगा ले कि हमें कबूतर कैसा लगा। अच्छा था, पहले खाया था? हाँ बिल्कुल, इससे पहले नहीं खाया, मैंने भी पहली मरतबा खाया। अच्छा चीज तो मतलब वो देसी मुर्गी से टच थी मगर था डिफरेंट। हाँ डिफरेंट था थोड़ा, गोश्त बिल्कुल अलग सा था, खुश्क लाल और बड़ा अलग सा डिश था, ड्राई ड्राई सा। क्या कहते हैं खाना चाहिए? हाँ बिल्कुल ट्राई तो करना चाहिए ना यार, हो सकता है भाई, हमें तो अच्छा लगा यार, मजा आया। और सबसे मेन चीज ये मैंग्रोव वाले जो मसाला लगा के पकाते हैं ना, वो मसाला तो भाई ऐसा था, मसाला मसाले का तो मकसूद भाई से रिव्यू लूंगा मैं, मसाले का तो मकसूद भाई बताएंगे। ये देख ले भाई, ये देख ले, थोड़ा सा खाया मैंने क्योंकि मैं स्पाइसी, आवाज निकाले थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा खाया क्योंकि मैं स्पाइसी नहीं खाता हूँ ना। हाँ तो मैंने जो है ना चावल और ड्राई फ्रूट पे ज्यादा लिया और केचप पी के मैंने जब शुरू में लिया ना फरहान भाई, तो कानों से धुआं, कानों से धुआं ना सर, टाइट शुरू में इन्होंने लिया और कानों से धुआं निकला, प्लेट में लिया इन्होंने शुरू में और कानों से धुआं आना, नहीं मुंह में लिया, मुंह में शुरू में मतलब प्लेट में लेके मुंह में लिया ना, कलेक्शन करता हूं मैं जब शुरू में, कलेक्शन नहीं होगी ऐसी जाएगी वाला। जब मैंने कबूतर का जो है ना मैक उसकी थोड़ी थी ना और जो मैंने खाई है तो बहुत चटपटा था, मैंने बोल अपने रिव्यू में भी बोला है, रैंडम में जो मजा है ना वो कटिंग में नहीं है। हां हां भाई ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। और पता है फरहान भाई फिर क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? कबूतर के दोनों पीस उठा के मेरी प्लेट में नहीं करे यार कि भाई मिर्चे आप खा सकते हैं, ये तो आखिरी कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मकसूद भाई? पता है मैं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चार चार कबूतर मुझे खिला दिया आपने, तो अब आप देख लें आप अभी के, आप अपना पसंद मत, अब घर जाके, अब घर जाके मैं रॉकेट बना हुआ फिर क्या होगा? दही मिले लस्सी बना के सही हो जाएंगे आप। अच्छा आप धनिया का पानी पिए, क्योंकि क्योंकि सीन ये है कबूतर और कबूतर होता है गरम बहुत भाई, नाक से खून भी आ जाता है ऐसे उड़ने का, और नाक से और दिमाग में खून भी आ जाता है, आंखों में खून भी, आंखों में रेड हो जाती है आगे यार। फोर्स करूंगा आप लोगों के कबूतर खाएं, खरगोश खाएं, इस तरह की जगह पे आए ताकि ये जो चिकन माफिया है और ये जो बाकी इस तरह के जो माफिया है जो आप लोगों के ऊपर लेके बैठे हैं, जहाँ बोलते हैं यार ये मासूम खरगोश खा के, भाई चिकन भी मासूम है, बाकी चीजें भी मासूम है, और डकैत तो नहीं है वो लोग भी, तो आप लोग ये चीजें पे आए ताकि आप लोगों का रुझान हटे। आप लोगों ने चिकन पे इतनी डिमांड बढ़ा दी है कि वो चिकन 1000 रुपए की हो गई यार, चिकन कोई 1000 रुपए की चीज है? वो बेचारी इतनी सी मुर्गी छोटा बेचारा है, वैसा दिमाग छोटा सा होता महीने का, आप टीके ठोक ठोक के उसको उसमें जो खा रहे पूरी कौम को मुर्गी बनाया पकड़ के यार, उससे बाहर आए, शेर बने, अच्छे फैसले लें अपनी कौम के लिए, बदलना पड़ेगा आप लोगों को, मुर्गी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दें मुर्गी, आ जाए नई चीज़ों पे, आए सऊदी अरब में, यमन में आम खाए जाते हैं कबूतर, हमने आज खाए, मज़ा आया, नया एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारी सेहत के हवाले से बहुत नई चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं, अल्लाह ने बड़ी सेहत के इसमें बड़ी चीज़ें रखी हुई हमारे लिए, लेकिन हम लोग वही मुर्गी सुबह मुर्गी शाम में मुर्गी, बकरा इतना हमारी पहुँचते 2000 रुपये किलो बकरा हो चुका है, बड़े का जो गोश्त है वो भी महंगा है, तो भाई ऐसी चीज़ों पे आए ताकि उन पे से बर्डन कम हो और आप लोग नई चीज़ें जो है ना खा सकें। तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये हराम है, इस तरह कोई हराम चीज़ नहीं, हलाल चीज़ ही खा रहे हैं, और आप लोग उसको प्रमोट करें ताकि और लोग भी अपने होटल में रेस्टोरेंट में घरों में इन चीज़ों को आम कर सकें और दूसरी चीज़ों से हटें और इस पे आए। तो भाई ये थे बाबर भाई, और बाबर भाई ने जो बातें करी वो बातें समझ आने वाली हैं, क्योंकि बताया कि चिकन इतनी महंगी हो गई, क्यों महंगी हो गई कि हमने इतनी अहमियत दे दी चिकन को कि उसके बगैर कोई दावत ही नहीं होती, उसके बगैर कोई तकरीब ही नहीं होती, और कहीं पे भी चले जाएं यहाँ तक कि भाई किसी की अगर मैयत हो तो भी चिकन ही पकती है। तो बात तो बड़े पते की है कि अगर हम अल्टरनेट कुछ ढूंढ लेंगे तो ये जो माफिया है ना ये घुटने टेक देगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।